बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन जो कि पिछले 20 सालों से बॉलीवुड में टिके हुए हैं। ऋतिक जिन्होंने साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इस फिल्म की सफलता से ऋतिक स्टार बन गए थे, लेकिन उसके बाद ऋतिक ने लगातार 8 फ्लॉप फिल्में दी जिससे कि लग रहा था कि ऋतिक का करियर अब खत्म हो चुका है और मीडिया के लोग उन्हें सिर्फ एक हिट वाला हीरो कहने लगे थे। लेकिन साल 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया से ऋतिक ने सबको करारा जवाब दिया था। इस फिल्म को उनके पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। कोई मिल गया रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म से ऋतिक ने दिखाया कि वो कितने अच्छे अभिनेता हैं। उन्होंने एक मानसिक रूप से कमजोर लड़के रोहित मेहरा का किरदार बखूबी से निभाया। इस किरदार के लिए ऋतिक ने काफी मेहनत की थी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया कि ऋतिक ने रोहित मेहरा के किरदार की तैयारी के लिए 8 दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था ताकि वो इस रोल को अच्छी तरह से निभा पाएं। राकेश ने कहा कि उस समय उनकी 8 फिल्में नहीं चली थी और मीडिया ने उन्हें वन फिल्म वंडर के रूप में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर ऋतिक ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की। वह इस फिल्म के लिए अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे। राकेश ने यह भी बताया कि उन्हें इस फिल्म को फ्रेंचाइजी में तब्दील करने का आइडिया कहां से आया। राकेश ने कहा कि मैंने लॉर्ड ऑफ रिंग्स ट्रायलॉजी देखी थी तो मैंने सोचा क्यों न हम अपनी फिल्म को एक फ्रेंचाइजी के रूप में तब्दील करें। राकेश ने क्रिश 4 पर भी अपडेट देते हुए कहा कि इस फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू होगी और क्रिश 4 की कहानी को क्रिश 3 की कहानी से आगे जारी रखा जाएगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।